अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। आज का हमारा टॉपिक है जी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम वन बाय वन इन लॉज पे गौर करेंगे और इन्हें पढ़ेंगे तफसीलन। न्यूटन के तीन कानून हैं और ये कानून किसके मुतालिक है? मोशन के मुतालिक। वो जिसम, वो बॉडीज जो क्या करती हैं, मोशन करती हैं, उसके मुतालिक न्यूटन ने कवानीन दिए। और वो कितने कवानीन, कितने लॉस हैं? थ्री लॉस। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर डेली, अभी आप लोग चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर आपके टेबल्स पे बैग्स पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, तो क्या हम देख रहे हैं? या आपको कमरे के अंदर दीवारें दिख रही होगी, ये फैन दिख रहा होगा, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ये सारी चीजें क्या हमें रेस्ट की हालत में नहीं दिख रही? यस सर, रेस्ट की हालत में ना। क्या मतलब? न्यूटन के मुताबिक अगर किसी भी जिस्म पे, अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या लगे? जीरो, नो नेट फोर्स, तो बॉडी क्या करेगी? विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। वो बॉडी क्या करेगी? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन कंटिन्यू करेगी। अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहेगा, और अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो क्या करता रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। आम मोशन नहीं, रुक गए चल पड़े, रुक गए चल पड़े, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, दैट इज कि इसका जो फोकस है, जो की पॉइंट है, जो मेन पॉइंट इसका, दैट इज नो नेट फोर्स। जब भी किसी जिस्म पे, ये फोकस कर लीजिए, जब भी किसी जिस्म पे टोटल फोर्स की मकदार क्या लगे? जीरो लगे। टोटल से क्या मुराद? बस अगर आपके सामने टेबल पे किताब पड़ी है, जरा इसे गौर से देखें तो किताब अपनी जगह से हिल रही है। वजह, इस वक्त इस पे फोर्सेस तो लग रही है, कौन कौन सी? वजन नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और एक दूसरे को क्या कर रही है दोनों? कैंसल। क्या किताब अपनी जगह से हिल कर रही? नो सर। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में रहती है अगर उस पे फोर्सेस का मजमुआ क्या लगे? इक्वल जीरो। क्या हो जी? दीवार, फर्ज कीजिए दीवार, इस तरफ से भी फोर्सेस लग रही है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, क्या ये दीवार अपनी जगह से मूव कर रही? नो सर। इसी तरह से गाड़ी को तीन फर्द पीछे से, तीन आगे से धकेलना शुरू कर दे तो क्या नतीजा निकलेगा? गाड़ी, क्या गाड़ी किसी तरफ जाएगी? नो सर। वजह के फोर्सेस तो लग रही है लेकिन वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसल आउट कर रही है। इसी तरह से कोई फर्द है, कोई बंदा, वो क्या कर रहा हो? उसने वेट उठाया हुआ हो और वेट उठा के खड़ा है तो क्या नतीजा है? इस वक्त दो फोर्सेस है, एक वजन नीचे की तरफ और एक बाजू के अंदर टेंशन ऊपर की तरफ। क्या होगी वो चीज? अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगी। कब तक? जब तक उसका वजन और टेंशन क्या हो जी? बराबर रहे। बराबर होने का मतलब आप जानते हैं कि इधर आगे क्या कर देगा? कैंसल होगा, जवाब देगा जीरो। तो न्यूटन का पहला कानून किन बॉडीज के लिए है? जो बॉडीज क्या हो? या रेस्ट में हो और या और क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या नेट फोर्स जीरो होती है? जी बिल्कुल। जब कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? अभी गौर किया, जब पंखा हम चला लेते हैं, पंखा जब चलता है, चलने के बाद दो चार पांच सेकंड के बाद उसकी रफ्तार क्या हो जाती है? एक जैसी हो जाती है कि नहीं? yes. कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं? yes. मोटरवे पे जब हम गाड़ी चला रहे हो, दाएं बाएं पीछे आगे कुछ भी गाड़ी ना हो, तो क्या हम स्लो और फास्ट करते हैं गाड़ी? नो no, सर। क्या करते हैं? एक ही रफ्तार से, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। और जब जब बेटे कांस्टेंट स्पीड होती है, जब जब कांस्टेंट स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तब भी
नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। तब भी फोर्सेस का मजमुआ क्या है? जीरो है। तब भी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है। तो स्टेटमेंट पे गौर करें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? क्या है स्टेटमेंट? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन कब तक? इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये कब तक मुमकिन है? कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। ये कब तक पॉसिबल है? जब तक उसके ऊपर नो नेट फोर्स, टोटल फोर्स का जवाब क्या हो? जब तक टोटल फोर्स का जवाब क्या आए? नो नेट फोर्स का मतलब फोर्स का आंसर कितना हो? जीरो। जब तक फोर्स का आंसर जीरो है, या तो बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी, और यहाँ पे क्या करती रहेगी? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। मैं मिसाल देता हूँ, ये किताब अगर ना आप इसे उठाएं, ना आप इसे हिलाएं, ना आंधी आए, ना तूफान आए, ना खुदा ना खासा जलजला आए, या किताब अपनी जगह से हिलेगी? नो सर। वजह, क्योंकि इस वक्त इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। और फोर्स कब लगती है? जब इसके ऊपर हम, जब इसे हिलाने के लिए, उठाने के लिए, लेके जाने के लिए फोर्स लगा। जब तक ये पड़ी है, जब तक ये ब्लॉक आपने उठाया हुआ है, नेट फोर्स क्या है? जीरो। ऐसे ही पड़े रहेंगे, जैसे आपको कॉलर में खड़ा किया जाता है। So, कहने का मतलब है कि न्यूटन का पहला कानून किन बॉडीज के लिए है, कब के लिए है? जब फोर्स क्या लगे? नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स का जवाब क्या हो? टोटल फोर्स। नेट का मतलब मजमुआ, मजमुआ, टोटल मजमुआ। क्यों कह रहा? टग ऑफ वार, रस्साकशी। रस्साकशी में गौर किया कभी? छह बंदे इधर से खींच रहे, छह बंदे इधर से खींच रहे हैं, लेकिन वो पहलवान कैसे हुए? और किया कि रस्सा एक वक्त आता है कि ना इधर जाता महसूस हो रहा है, ना उधर जाता महसूस हो रहा है। क्या देखने वाला कह सकता है कि ये पहलवान जोर नहीं लगा रहे? नो सर। लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे। लेकिन हो क्या रहा है? कैंसल। वो कैंसल करे, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स। उनका जवाब नेट क्या है, टोटल क्या है? जीरो। तो जब तक जीरो फोर्स रहेगी, या तो बॉडी आप किस हालत में देखोगे? रेस्ट में। और या फिर किस हालत में देखोगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। जब जब फोर्स लगती है, तब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, रेस्ट नहीं रहता। सो न्यूटन का ये फर्स्ट कानून है। तो हमारे इर्द गिर्द हम रोजमर्रा बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जिनके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही है? जीरो। और वो यहाँ, वो हमें किस हालत में दिखते हैं? रेस्ट में। और यहाँ फिर क्या करते दिखते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन करते दिखेंगे। और जब जब आप देखो कि बॉडी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो समझ लो इस वक्त इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी? बाइक चलाते हो, जब आपकी सुई 60-70 पे आ जाए, और ना 60 से पीछे जा रही है, ना आगे जा रही है, तो इमेजिन, इमेजिन क्या, कंफर्म कर लीजिए, मान लीजिए कि इस वक्त फोर्स क्या है? इस वक्त नेट फोर्स क्या है? जीरो। इंजन की फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स, कैंसिल आउट कर रही है, जवाब जीरो है। बॉडी रेस्ट में देखो, अपना वजूद रेस्ट में देखो, चीजों को रेस्ट में देखो, तो मान लो कि इस वक्त नेट फोर्स क्या है? जीरो है। और ये हकीकत के बड़ा करीब है, ये न्यूटन का पहला कानून, ये न्यूटन का पहला कानून। आप इसके मुतालिक देखिए जी, आप क्या जी, इसका एक और नाम भी है, न्यूटन के पहले कानून का एक और नाम भी है। इसे किस नाम से पुकारा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्या हमने नहीं पढ़ा इनर्शिया? इनर्शिया क्या चीज थी? इनर्शिया एक ऐसी खसूसियत है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर बॉडी के पास है, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार। जो क्या चाहती है, जो क्या चाहती है? अपनी स्टेट, अपनी स्टेट के खिलाफ रेजिस्ट करती है। क्या मतलब? अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगा? रेस्ट में रहूं। और अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो क्या चाहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी, क्या बॉडी रेजिस्ट करती है किसके? एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया एक ऐसी खसूसियत है जो क्या चाहती है? कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, और अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं तो मोशन करते रहूं, वो इनर्शिया है। इसी तरह न्यूटन का पहला लॉ भी तो यही कहता है। और अब मुझे बताएं, इनर्शिया की बात कब तक मानी जा सकती है?
जब तक आप पे क्या ना लगे, बॉडीज पे क्या ना लगे, फोर्स ना लगे। मैं मिसाल देता हूँ, आप माशाल्लाह यहाँ पे बोर्डिंग है, सुबह उठने के लिए जब कहा जाता है तो दिल क्या करता है, इनर्शी आपका क्या चाहता है, ठीक है, लेकिन फिर नेट फोर्स लगती है, लगती नेट फोर्स, फिर क्या करना पड़ता है, जब तक नेट फोर्स जीरो है आपके टस से मस नहीं होंगे, ठीक है, स्कूल से। इसी तरह स्पोर्ट्स टाइम में खेल रहे हो तो क्या दिल जाता है, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई ना छेड़े, कोई फिसल की आवाज ना आए, कोई बुलाने वाला ना आए, है कि नहीं ऐसा? दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया कैसी कुवत है, कैसी ताकत है, कैसी प्रॉपर्टी है, जो क्या चाहती है, अपनी मर्जी, अपनी स्टेट। रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, और मोशन यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो मोशन में रहूं। और ये कब तक मुमकिन है, ये कब तक मुमकिन है, जब तक आप पे, जब तक बॉडीज पे नेट फोर्स क्या रहेगी, जब तक आपको कोई बुलाने वाला नहीं आएगा, जब तक आपको कोई छड़ी चलाने वाला नहीं आएगा, जब तक आपको कोई कहने वाला नहीं आएगा, तब तक नेट फोर्स क्या तसव्वुर की जाएगी, जीरो। इसी तरह से जब तक किताब को उठाने वाला नहीं आएगा, गाड़ी को रोकने वाला नहीं आएगा, किताब रेस्ट में रहेगी और गाड़ी मोशन में रहेगी। ये कब तक मुमकिन हुआ, जब तक नेट फोर्स का जवाब क्या है, जीरो। तो न्यूटन का फासला ये कहता है कि बॉडी अपनी रेस्ट की हालत बरकरार रखना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में चाहती है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। लेकिन उसके लिए ये मुमकिन कब तक मुमकिन है, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स, टोटल फोर्स क्या लग रही हो, जीरो, कोई बाहर से फोर्स ना लगे। टोटल फोर्स जब आप सोए हैं, टोटल फोर्स जीरो है, बाहर से फोर्स क्या लगनी है, जिन्होंने आपके पेरेंट्स ने, घर वालों ने, भाई ने उठाना है, दैट इज फोर्स। फोर्स चांटे की शक्ल में भी हो सकती है, वो प्यार से भी हो सकती है, प्यार भी एक ताकत है ना जी, दैट इज अ फोर्स। तो फोर्स लगेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मोशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब रेस्ट की हालत में कब तक रह सकते हैं, जब तक नेट फोर्स जीरो, यूनिफॉर्म मोशन की हालत में। मैं मिसाल दे रहा हूँ, रेस्ट का मतलब जब आप सो रहे हैं, याद रहे तो ठीक हो गया, और यूनिफॉर्म मोशन जब आप खेल रहे हैं तब भी नेट फोर्स जीरो, और जब आप सोए होते तब भी नेट फोर्स जीरो, जब किताब पढ़ी थी तब भी नेट फोर्स जीरो, और जब गाड़ी मूव कर रही थी एक ही रफ्तार से तब भी नेट फोर्स जीरो, और बॉडी क्या करती रहेगी, नेट फोर्स जीरो होने पर बॉडी रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन जारी रहेगी। अच्छा, अब इसकी मिसाल मिसाल एक देता है, जैसे कि गाड़ी के अंदर, बेटी गाड़ी में हम सफर सारे ही करते हैं, गाड़ी है, गाड़ी में सफर कर रहे हैं आप, और किया कभी आपको सीट ना मिले और गाड़ी में क्या होना पड़े, खड़ा होना पड़े, तो ऑब्जर्व किया कभी, अगर ड्राइवर अगर क्या वो चौकिया भी ब्रेकें लगाते हैं, होता है ना सर, yes, बार बार पैसेंजर सवारी देखी, वो सवारी बच्चा है कोई भी, फौरन से ब्रेक लगा ली, क्या होता है, अगर फर्ज कीजिए आप इसमें खड़े हैं, आपको सीट नहीं मिली, आपने हाथ से इधर से किसी को थामा होगा ऊपर से, जब ब्रेक लगती है तो क्या होता है, क्या आगे की तरफ, कौन सी चीज आगे की तरफ मूव करती है, जब आप गाड़ी चल रही हो अचानक से ब्रेक लगे, क्या आपके पांव टांगे आगे की तरफ मूव करते हैं या ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, क्या बचा है, जो चीज जिसके साथ कॉन्टेक्ट में है वो वही मोशन, हमारे पांव हमारी टांगे किसके साथ कांटेक्ट में है, बस के साथ, हमारी टांगे फौरन से बस वाली मोशन, बस के क्या हो ये स्टॉप, तो वो भी स्टॉप, लेकिन हमारा ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा किसकी मोशन, किसको अख्तियार करेगा, बस क्या कर रही थी, मोशन, तुम्हारी बॉडी के क्या मोशन कंटिन्यू रखेगी, हमारा ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि किसी चीज के साथ जुड़ा नहीं हुआ, वो क्या चाहेगा, पहले भी मोशन कर रहा था अब भी क्या करता रहूं, मोशन, इसीलिए गिरते हुए कभी गौर किया, हमारा ऊपरी हिस्सा क्या करता है, आगे की ओर, समझ आ गई, तो इसका मतलब हमारा वजूद क्या चाहता है कि मैं मोशन कर रहा था तो क्या करता रहूं, मोशन करता रहूं, लेकिन गाड़ी तो रुक गई, इस वजह से हम गिरना क्या होता है, अंदेशा। ये है न्यूटन का पहला कानून, जो किन बॉडीज के लिए है, जो या तो रेस्ट में है और या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, और वहाँ उस वक्त नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। बेटे कोई एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई सवाल हो आपके जहनों में, जी सर, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसमें नेट फोर्स जीरो कैसे होगी, यूनिफॉर्म मोशन कर, बेटे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि उस वक्त वेलोसिटी चेंज हो रही, चेंज हो रही है वेलोसिटी, इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी, नहीं, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं है तो मुझे बताए, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं है, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा, क्या तारीफ पड़ी एक्सेलरेशन की,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है, जब ये चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन का क्या जवाब आ जाएगा? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो तो न्यूटन ने क्या बताया, एक्सेलरेशन की जगह क्या दर्ज कर देंगे? जीरो। तो फोर्स क्या होगी? जीरो। इसका मतलब जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो तब भी फोर्स क्या होती है? जीरो। ये है न्यूटन का पहला कानून, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत अल्लाह।